भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन देश के लोग तो जानते हैं ना इसके जिम्मेदार कौन है करके, ये आग किसने लगाई, ये आग लगाने का वातावरण किसने निर्माण किया, ये तो देश के लोग जानते हैं। इससे सोनिया गांधी के कहने से, गोपाल शेट्टी के कहने से कुछ उसमें बदलाव आया नहीं। जो वास्तविकता है वो वास्तविकता है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और वास्तविकता और सच्चाई देश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जिम्मेदार को नहीं है तो वक्त ही करेगा आगे, हिंसा अच्छी नहीं होती है। कौन से विषय में? ये जो दिल्ली में आग जली हो रहा है, जलाया जा रहा है। अरे देश में कांग्रेस के सरकार में ऐसे कई दंगे हुए हैं, तो उसके लिए कोई गृहमंत्री जिम्मेदार होता है? ऐसा अगर उन्होंने कोई उदाहरण दिया होगा तो राजीनामा मांगने का अधिकार है, तो ऐसा ही मांगना है तो महाराष्ट्र के गृहमंत्री को रिजाइन मांगो ना। हिंगनघाट में घटना हुई, शर्म नहीं आई? महिलाओं को विवस्त्र किया जा रहा है, शर्म नहीं आ रही है? कहीं भी उठ रहे त्यागपत्र मांग रहे, मुझे लगता है गलत बात है। कोणती ही हिंसा योग्य राहत नाही, मग ती शाहीन बाग ची हिंसा असेल कि दिल्लीतल्या एखाद्या चौकातली हिंसा असेल। लोकशाहीमध्ये प्रश्न हे लोकशाहीच्या मार्गाने सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, पण दुर्दैवाने काही लोक अशा पद्धतीने वागण्याचा प्रयत्न करतात आणि आमचे खाकी वर्दीधारी अशा लोकांना ठेचण्यासाठी तत्परही राहतात। कोणताही आतंक, कोणतीही दहशत, कोणताही नक्षलवाद, कोणतीही हिंसा ही भारतातल्या नागरिकांना मान्य नाही। उनके सभी सहकारी सभी को बधाई देता हूं कि चाफेकर बंधु के बलिदान को जनता तक पहुंचाने के लिए आज इस चौक का नामकरण हो रहा है। उनका बलिदान युवाओं को प्रेरणा देने वाला, शक्ति देने वाला, ऊर्जा देने वाला उनकी जीवनी रही है, और आज इस चौक के नामकरण से यहाँ से जाने वाला हर युवा एक देशभक्ति की ऊर्जा लेकर भारत माता की जय कहते हुए आगे बढ़ेगा, और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि ज्ञान मूर्ति शर्मा, उनकी सारे टीम को मैं बधाई देता हूँ। सर दिल्ली में अंत तक ऐसे ही हवा में फहराता रहे और देशभक्तों को एक नई चेतना देते रहे। सोनिया गांधी पे